यहाँ से पूरा प्रोटेक्ट कर देना, बहुत ज्यादा बाइक्स में आवाज आ रही है, यहाँ से क्योंकि सब क्रॉस क्रिएट हो रहा है तो आवाज आ रही है। दूसरे साल फिर से आज हम लोग यहाँ पर आए हैं, जिसका नाम है ग्रीन सिनेमा अवार्ड। एकमात्र अवार्ड है जो संदेश देता है, जो मैसेज देता है कि वो बहुत जरूरी है हमारे साथ हमारे वातावरण के लिए, और उस चीज़ को जितने भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और मैं कामना करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये अवार्ड फंक्शन ग्रीन सिनेमा अवार्ड हर साल और बड़ा होता जाए और पले और खुले और लोग इसे जुड़ते जाएँ। और अच्छा लगता है जब आपके काम को जब सराहा जाता है, जब आपके काम को दुनिया के सामने सम्मानित किया जाता है, बहुत खुशी होता है, आपको लगता है कि अब और अच्छा मेहनत करना चाहिए और बढ़िया काम करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच ग्रीन सिनेमा अवार्ड। और आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, अभी हम लोग जस्ट अभी अपने दो कमिंग बहुत टाइम बाद इस लेवल पे दोस्ताना हमने किया तो ससुरा बड़ा दोनों बहुत ही बेकार खूबसूरत और ससुरा बड़ा सतावेला में पूरी तरह से बहुत टाइम बाद राजकुमार सर के डायरेक्शन में ये फिल्म बनी है। राजकुमार पांडे जी के बहुत ही बेहतरीन हमारे डायरेक्टर रह चुके हैं, हैप्पी और बहुत अच्छी अच्छी फिल्में लेके भी आ रहे हैं। और देवरा बड़ा सतावेला, सास सहेलिया, बहुत सारी फिल्में, चिन्ना तेरी गली में, ट्रक ड्राइवर, बहुत जितनी भी खूबसूरत और बड़ी बड़ी हिट फिल्मों के निर्देशन कर चुके हैं, फिर से वो दो साल बाद फिर से निर्देशन किया है दोनों फिल्मों का, और हम दोनों की कमाल की और खूबसूरत की दृष्टि आप सबको इन दोनों फिल्मों में नजर आएगी। दोनों से सवाल है, कोरोना की जरिमान किस तरह आपकी लाइफ रही है और किस तरह 2021 में शुरुआत करने वाले हैं, और जैसे 2020 गुजरा और 2021 में हम लोग एंटर किए हैं तो हमारी बहुत सारी उम्मीदें और बढ़ गई है। एंड बस जंग हम लोग कोरोना के खिलाफ लड़के जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हैं, सबसे पहले तो सभी को बहुत बहुत बधाई, और जितने भी लोग सभी लोग कोरोना के खिलाफ महामारी के खिलाफ सभी लोग एक साथ होकर देश के साथ, सबको बहुत बहुत शुक्रिया, सब सभी से। हाँ, 2021 में आप बहुत अच्छा गया और अनुभव बहुत ही अच्छा मिलेगा, क्योंकि ये 2020 सभी के मनुष्य जीवन में बहुत कुछ सिखा कर गया है, बहुत कुछ लेकर गया है, बहुत कुछ लेकर भी गया है। बहुत 2020 सिनेमा इंडस्ट्री के लिए बहुत, अगर मैं कहूँ तो बहुत ही दादपूर्ण साल रहा है। इस साल ने हमसे कई रत्नों को, कई महारथियों को छीना है, तो मैं विनम्रतापूर्वक सबसे पहले तो उन सभी महान लोगों का, जैसे इरफान खान साहब, ऋषि कपूर साहब और भी कई बड़े नाम हैं जिनको हम सब लोग बहुत दिल से मानते थे, बहुत दिल से प्यार करते थे, बहुत दुखद रहा है उन सभी के लिए। तो सभी के लिए मैं सबसे पहले तो शोक जताता हूँ और कामना करता हूँ ईश्वर उन सभी की आत्मा को अपने शरण में जगाते हैं, और 2021 हम सब के लिए नया सवेरा लाए और सभी लोगों के जीवन में एक नई खुशहाली लाए। और अरे जी केसारी जी नहीं है, पवन जी नहीं है, तो इतना बड़ा अवार्ड होने के बाद किस तरह कुछ बताना चाहेंगे? थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।